इस बीच हम अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं हलचल तेज है। फारूक अब्दुल्ला के घर इस समय राहुल गांधी पहुंचे हैं। राहुल गांधी जो कल ही श्रीनगर पहुंच गए थे, दो दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी आज सुबह कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और इस समय फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे हैं श्रीनगर में राहुल गांधी। नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस का गठबंधन, इसके संकेत पहले ही मिल रहे हैं और राहुल ने आज भी गठबंधन को लेकर संकेत दिए जब वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। हालांकि आश्वासन देते हुए कि जो कार्यकर्ताओं के हित हैं उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, राहुल गांधी जब पहुंचे थे फारूक अब्दुल्ला के घर पर उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला का ये आवास और वहां पर राहुल गांधी इस समय पहुंच चुके हैं। जो अब्दुल्लाज हैं उनसे राहुल गांधी की ये मुलाकात महत्वपूर्ण सियासी तौर पर इसलिए हो जाती है कि गठबंधन को लेकर अभी श्रीनगर में ही कुछ देर पहले राहुल गांधी की तरफ से ये साफ संदेश कार्यकर्ताओं को दे दिया गया था कि गठबंधन होगा, लेकिन साथ ही साथ ये आश्वासन भी कि उनके जो हित हैं, जो कार्यकर्ताओं के हित हैं, उसकी अनदेखी नहीं होगी। लेकिन गठबंधन को लेकर जो सकारात्मक संकेत राहुल गांधी ने पहले ही दे दिए थे, जरा वो सुनिए आप। गठबंधन होगा मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा, हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। तो मिशन कश्मीर पर हैं राहुल गांधी। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस समय मौजूद हैं और जरा आसिफ से ही जानते हैं कि राहुल पहुंच गए हैं फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यही गठबंधन इसी को लेकर संकेत, या फिर इसमें पीडीपी और महबूबा मुफ्ती उनके लिए भी कोई जगह बनती हुई नजर आ रही है? आसिफ रोमना, देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो बात कही गई उसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी जो है वो इच्छुक हैं कि सभी इंडिया गठबंधन के दल इसमें शामिल हो जाए। लेकिन आज जो बात हमारे सामने आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फारूक अब्दुल्ला के निवास पर पहुंचे और तकरीबन अब 20 मिनट से ज्यादा समय हो चुका है वो अंदर ही है और अंदर बातचीत हो रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती से मिलने का कोई भी कार्यक्रम है जो हमारे ऐसा साझा नहीं किया गया है। कांग्रेस के जिन नेताओं से हमारी बात हुई उनका यह कहना है कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस में के सामने रखा गया था उसमें कुछ सीटों को लेकर काफी ज्यादा जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस खासतौर पर श्रीनगर की कुछ सीटों पर कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते जो गठबंधन की टॉक्स हैं वो थोड़े रुक गई हैं और जो कार्यक्रम है वो अगले 2 दिनों तक भी चल सकता है, यानी सीट शेयरिंग फॉर्मूला अगले 2 दिनों तक डिस्कस होगा और उसके बाद ही कोई स्पष्ट तौर पर संकेत इस अलायंस के बारे में मिलेंगे। हालांकि कांग्रेस और राहुल गांधी खासतौर पर ये चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के सभी दल घटक दल थे उनमें पीडीपी भी शामिल है वो इस अलायंस का हिस्सा बने, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहले ही साफ इनकार किया गया है इस बाबत कि पीडीपी के साथ वो किसी भी हाल में किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। भले ही कांग्रेस एक अलग तौर पर पीडीपी के साथ एक अलायंस करे, लेकिन वो अलायंस कांग्रेस का और पीडीपी का होगा, ना कि पीडीपी कांग्रेस और एनसी का। और जिस तरीके की खटास की बातें सामने आ रही थी कि दोनों ही पार्टीज के जो कोएलिशन कमेटी के मेंबर्स हैं जो आपस में मिल रहे हैं उसमें कुछ सीटों पर मतभेद जो है उसको शायद दूर करने की कोशिश जो है राहुल गांधी की तरफ से, ये जो अनशेड्यूल्ड मीटिंग ही कहेंगे क्योंकि पहले ये बोला गया था कि कल शाम तकरीबन 9 बजे रात में फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग होनी है, लेकिन फिर राहुल गांधी एक स्थानीय रेस्टोरेंट में शाम को डिनर के लिए गए, आइसक्रीम खाने के लिए लाल चौक गए, लेकिन मीटिंग के बारे में जो नेताओं के लेवल की थी वो नहीं हो पाई। हालांकि जो कोएलिशन कमेटी की मीटिंग है वो लगातार जारी रही, रात में तीसरी दौर की मीटिंग जो हुई थी उसके बाद ही खटास की बात सामने आई थी और उसी को दूर करने की कोशिश लग रहा है कि राहुल गांधी इस समय कर रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में ये पहली बैठक है जो अभी चल रही है और हम ठीक फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि क्या किसी प्रकार की प्रक्रिया यहां पे राहुल गांधी या फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दी जाती है इस बैठक के बाद। रोमाना आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आसिफ आपके पास।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।